और वहीं दिल्ली के दुकानदारों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के फैसले का स्वागत किया है। पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों और ग्राहकों का कहना है कि सरकार का फैसला देश हित में है। दुकानदारों ने कहा कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वहीं ग्राहकों ने भी कहा कि वो भी कपड़े से बने थैले का प्रयोग करेंगे। तो ग्राहकों का कहना कि कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे, और वहीं दुकानदारों का ये कहना कि प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की कसम खाई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से बैन हो गया है। परेशानी तो होगी लेकिन थोड़ा सा दिक्कत। इससे कितने फायदा है, नुकसान क्या है प्लास्टिक से? प्लास्टिक से तो बहुत नुकसान है, जानवरों खा लेता है तो उससे दिक्कत आती है, नाली बंद हो जाती है, गटर बंद हो जाते हैं, पन्नी से तो बहुत नुकसान रहता है। उसे बर्तन मंगाएंगे तो तेल वगैरह देना है या कुछ और सामान देना, दही वगैरह देंगे, बर्तन लेगा उनका घर से। अब क्या किया जाएगा, जैसे सरकार करेगी वैसे होगा। क्या मैं पैक करके देंगे आप सामान मन जो भी उतना डिब्बे में, तो डिब्बे में देंगे पैक करके, तो क्या आपको कितना महंगा पड़ेगा सामान देने में? महंगा पड़ेगा सर, मर क्या करें, सरकार जैसे करेगी उससे बस ये खत्म ही होनी चाहिए। क्या नुकसान है कि फायदा आप लोग उससे? नुकसान है, सब कुछ नुकसान है। क्या नुकसान होता आप लोगों को? ज्यादातर तो पूरा कचरा बहुत होता है, नालियों में अड़ती है और नीचे जमीन में चले जाए, इसको भी नुकसान है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।